नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। प्रियंका के बाद शिमला पहुंची सोनिया गांधी, 2-3 दिन यहीं रुकने का कार्यक्रम। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दोपहर राजधानी शिमला पहुंची। शिमला के समीप छराबड़ा में सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी का घर है। प्रियंका गांधी बीते रविवार को यहां पहुंच गई थी, अब सोनिया गांधी भी प्रियंका के साथ यहीं रुकी है। वहीं आज दोपहर को चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए सोनिया छराबड़ा पहुंची। अगले 2-3 दिन दोनों का यहीं रुकने का कार्यक्रम है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी शिमला से ही जाएंगी। प्रियंका और सोनिया के शिमला पहुंचते ही छराबड़ा के पास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के छराबड़ा जाकर दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल पंचायती राज उपचुनाव 18 सितंबर को नाम वापसी, अभी मैदान में है 243 प्रत्याशी। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए कल प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। वहीं सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 243 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। एक से अधिक नामांकन पत्र भरने के कारण 6 नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। 13 सितंबर तक कुल 249 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उग्र प्रदर्शन पर व्यापार मंडल सोलन के प्रधान समेत 4 लोग नामजद लगे हैं, ये आरोप। सोलन शहर में सोमवार को सर्व हिंदू समाज व व्यापार मंडल सोलन की ओर से किए गए उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने व्यापार मंडल सोलन के प्रधान एवं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुल 4 लोगों को नामजद किया है। आरोप है कि इन्होंने प्रदर्शन के लिए जिस रूट की अनुमति ली थी उससे बाहर चले गए और रैली भी 23 मई में समाप्त नहीं की। ऐसे में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नदी में डूबे व्यक्ति को बचाने उतरे तैराक की दर्दनाक मौत, लापता की तलाश जारी। पुलिस थाना नादौन के तहत पताजी पतन गांव में गणपति विसर्जन के दौरान ब्यास नदी में डूबे हुए युवक को तलाश करने के लिए हाथ में रस्सी बांधकर नदी में कूदे व्यक्ति की मौत हो गई है। हमीरपुर के नाटी गांव से आज 3 ट्रालों में भरकर काफी संख्या में लोग गणपति विसर्जन के लिए नादौन के पताजी पतन पर आए हुए थे। विसर्जन जब किया जा रहा था तो इन्हीं में से एक युवक विनय कुमार 33 वर्षीय पुत्र देशराज गांव पटियाहू नाटी ने कपड़ों से जैसे ही नदी में थोड़ा ऊपर की ओर छलांग गई तो वह अचानक पानी में डूब गया। वहीं आसपास खड़े लोगों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया और घटना की सूचना तुरंत नादौन पुलिस को दी। जांच अधिकारी SI अंदेश कुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान साथ लगते गांव चौहा चक्राला के स्थानीय निवासी एवं तैराक सोनी ठाकुर 39 वर्ष पुत्र सीताराम ने लोहे का जंगला लेकर पानी में डूबे युवक की तलाश करने के लिए छलांग लगाई। उसने जंगले की रस्सी अपनी बाजू के साथ बांधी हुई थी। जंगला पानी के अंदर कहीं पत्थर में फंस गया और व्यक्ति की बाजू में बंधी रस्सी की गांठ को नहीं निकाल पाया, जिसके कारण वो भी नीचे ही फंस गया। ने लोगों ने पानी में छलांग लगाकर उसकी बाजू से बंधी रस्सी काटकर उसे बाहर निकाला और तुरंत नादौन अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल की तरह हरियाणा को भी ठगने की कोशिश में कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आम विधानसभा चुनाव में लोगों को ठगने के लिए झूठी गारंटियों का सहारा ले रही है। जिस तरह से कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने हिमाचल के लोगों से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उसी तरीके से हथकंडे अब देश के बाकी राज्यों में फिर से अपनाने की कोशिश हो रही है। अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस की गारंटी पर अब कोई भी यकीन नहीं करने वाला है। पूरे देश ने देख लिया है कि कांग्रेस किस तरह बिना किसी रोडमैप की झूठी घोषणाएं करके लोगों का वोट लेती है। हिमाचल प्रदेश में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वो समूचे देशवासियों के लिए भी एक सबक है कि कांग्रेस की झूठी गारंटियों पर यकीन न करें। निगुलसरी में आफत, NH का 65 मीटर हिस्सा धंसा, यातायात ठप, हजारों लोग परेशान।
जिला किन्नौर के निगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 पर लोगों की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां सफर करना हजारों लोगों के लिए आफत बना हुआ है। पहले भूस्खलन के कारण बार बार NH अवरुद्ध होता रहा, अब NH का करीब 65 मीटर हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। ऐसे में वाहनों के पहिए पूरी तरह से थम गए हैं। वहीं आज दोपहर करीब 1 बजे निगुलसरी में तरांडा की ओर से NH का 65 मीटर हिस्सा धंस गया। NH के बाद होने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। यात्रियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 क्रांपे से तरांडा टनल तक आधा किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छाए देवी देहरा के 2 युवक, जिले और प्रदेश का किया नाम रोशन। सोनीपत हरियाणा श्याम मेमोरियल स्कूल में भारतीय पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में देवी देहरा के 2 युवकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक हुआ। इसमें 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं बता दें कि ग्राम पंचायत चंबा जिले के ओसल के गांव देवी देहरा के 15 वर्षीय धीरज कुमार पुत्र चैनलाल ने 52 किलो भार वर्ग में बेंच प्रेस में ऑल इंडिया नेशनल रैंक में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर 18 वर्षीय अजय मल्होत्रा पुत्र जोगिंद्र कुमार ने 75 किलो भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में ऑल इंडिया नेशनल रैंक में 5वां स्थान हासिल कर अपने कौशल का डंका बजाया है। बता दें कि नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। शिव शक्ति यूथ क्लब के अध्यक्ष प्रवीण टंडन व डलहौजी विधानसभा के विधायक DS ठाकुर के बेटे राहुल ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों का सहयोग किया, जिसके चलते आज दोनों खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। पंथा घाटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी। राजधानी शिमला के पंथा घाटी में नाबालिग लड़की के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग का वीडियो बनाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इस बारे में छोटा शिमला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार रामपुर की एक महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह शिमला में महली में रहती है। उसकी बहन जो नीथर की रहने वाली है अपनी नाबालिग बेटी के साथ जीवणु कॉलोनी पंथा घाटी में रहते हैं। उसकी बहन की बेटी ने उसे फ़ोन कर बताया कि सुबह करीब 4 बजे उसका पड़ोसी मनु बाथरूम के रास्ते से उसके घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसका वीडियो भी बनाया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरप्लस मिड डे मील कर्मियों की सेवाएं नहीं होंगी समाप्त, समीवर्ती स्कूलों में किया जाएगा समायोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। कहा कि शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनः गठन किया जाएगा। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।